गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। सुबह सुबह झटपट फटाफट बनाते हैं आलू गाजर जो जो सब्जियां आपके पास बची हो, ट्रिक बताती हूँ। आलू ले लो, शिमला ले लो, गाजर ले लो, बीन्स ले लो, जो भी सब्जियां बची हैं छोटा छोटा काटो और मेरे स्टाइल की सब्जी कैसे बनानी आपको दिखाती हूँ। नो प्याज, नो टमाटर, नो जीरा, नो हींग, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्ची कूटनी और बनानी है सुंदर वाली सब्जी और सूखे मसाले डाल के। देखो जी जल्दी जल्दी कैसे बनाती है लवली किचन, अपने स्टाइल की सब्जी आपको सिखाती हूँ। कोई भी सब्जी मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, आपको जैसे पता है सरसों का तेल ही खाना है। सब्जी मेरी देखो जी बहुत ज़्यादा है, ये बीन्स गाजर सारी मिक्स बची थी सब्जियाँ, काट ली हैं छोटी छोटी, धो ली हैं। अब मैं बनाती हूँ इसका तड़का। देखो जी ये लहसुन और हरी मिर्ची खूब सारी कूट लेनी है। थोड़ा सा इसको बस कलर चेंज होने पर हल्का सा पकाना है, एकदम काला नहीं करना। और साथ में डाल देना नमक और हल्दी भी नहीं डालूंगी, सिर्फ ब्लैक पेपर और रेड चिल्ली से बनेगी मेरी ये सब्जी। कच्चा लहसुन नहीं रहना है, खड़े रह के ही 2 मिनट के अंदर उसको पकाना है, क्योंकि कच्चे लहसुन से फिर सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा। काला भी नहीं करना है, कच्चा भी नहीं रखना। अभी आप समझ जाओ क्या करना है। जो लोग घर पे खाने बनाते हैं उनको पता है इसको छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ के बैठ गए दूसरा काम करने लगे तो इसका पूरा हो जाएगा मलियामेट, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं कि हमको सामने खड़े रहना पड़ता है। देखो जी और गैस मैंने तेज ही रखा है फुल फ्लेम पर। ये 10-15-20 काली लहसुन की छोटी वाली डाली हैं। अभी डाल दूंगी इसमें मैं रेड चिल्ली और ब्लैक पेपर, देखो जी थोड़ा आधा चम्मच, और साथ में डालूंगी सूखा धनिया थोड़ा सा बस। देखो जी अभी गैस करेंगे स्लो, 2 सेकंड के लिए मसाले को हम भूनेंगे और सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे। देखो जी और गीली सब्जियाँ होती है उसके अंदर पानी होता ही है, पानी छोड़ देते हैं, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस इसको मिक्स करना है और स्लो गैस पे हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। लगता है कि हमारी सब्जी जल सकती है, तो जो ये लहसुन मैंने इसमें डाला था इसमें 2 बूंद पानी डालना है और इसमें डाल देना ताकि मसाला नीचे से चिपके नहीं। बस अभी इसको अच्छा सा ढक्कन लेना है और उसमें ढक देना है, भाप के ऊपर सब्जी बनेगी। ढक्कन लाओ कल्पना। अभी इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहने देना है, उसके बाद हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारी सब्जी ऑलमोस्ट गल चुकी होगी। उसके साथ बाद फिर गैस को ढक्कन हटा के थोड़ा सा भूनेंगे और झटपट फटाफट बन गई सब्जी वेजिटेबल मिक्स वाली, सिंपल तरीके से, नो टमाटर नो प्याज, लवली किचन स्टाइल की। सीखिए और बनाइए और वीडियो को शेयर किया कीजिएगी, वीडियो देखते रहते बीच में शेयर बटन दबा दिया करो। अभी ओपन करते हैं, 10 मिनट्स हो चुके हैं, 10 to 5-6 मिनट के बाद आपको जरूर चेक करनी सब्जी। ओ कलर देखो सुंदर, और भाप में ही गलानी है, गलाने के बाद हम उसको भूनेंगे गैस तेज पे। अभी भी कच्ची है सब्जी, गली नहीं है क्योंकि आलू गाजर को टाइम लगता है। मैं सब साथ में ही डाल देती हूँ। देखो जी मसाला ऊपर नीचे हमको टर्न जरूर करना है ताकि सब मसाला सब सब्जियों पे लग जाए। 5 मिनट के लिए और ढकेंगे तो आलू गल जाएंगे, उसके बाद भून भान के धनिया डाल के सब्जी रेडी। बताती हूँ सब्जी को सोड़ना कैसे होता है, भूनना पंजाबी में सोड़ना। ये जब ऐसी चिपक रही होती है ना तो खड़े रह के उसको ऐसे हिलाना है, देखो तब वो खुशबूदार सब्जी बनती है, उसका चेहरा अच्छा होता है, स्वाद होती है। देखो 5 मिनट का काम होता है लेकिन ऐसे भूनना जरूर है सब्जी को, सूखी सब्जी तब अच्छी बनती है और सूखे मसालों के साथ सुपर टेस्टी सब्जी बनेगी। सिर्फ 5 मिनट का एंडिंग का प्रोसीजर करेंगे तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। चलो जी चलो झटपट फटाफट हो गई सब्जी रेडी, फाइनल करते हैं। देखो जी एकदम ऐसी सुंदर वाली सब्जी बन के रेडी। अभी इसको हमने थोड़ा सा गैस तेज पे भून लेना है, कोई भी सब्जी को बनाएंगे ना उसको तेज गैस पे भूनना जरूर है। तो सुड़ 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 की आवाज आती है ना सब्जी की भूनने की, वो बहुत जरूरी होता है। 5 मिनट के लिए भूनूंगी और बहुत ही सुपर बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसी हल्की वाली सब्जियाँ जो खानी है। देखो मैंने प्याज नहीं डाला, टमाटर नहीं डाला, फिर भी बहुत अच्छी बनेगी।
आज बना रही हूँ दाल मखनी और साथ में मेरे हाथ की इमली सब्जी और साथ में खाएंगे ज्वारी की रोटी। ज्वारी का आटा कैसे पीसना होता है किसी में ये वीडियो में बताऊंगी आपको। ज्वारी की रोटी बहुत हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री है, हम लोग खाते हैं। तो किसी दिन मैं आटा बनाना भी सिखाऊंगी। देखो ये सब्जी होगी रेडी और प्लेट करती हूँ। देखो सब्जी टूटी भी नहीं है, गली भी हुई है और कुछ भी मैश नहीं हुआ। सूखी सब्जी जब बनती है ना तो उसका तरीका यही है कि वो सब्जी टूटनी भी नहीं चाहिए और गल भी जाए और टूटनी भी नहीं चाहिए, मतलब मैश खिचड़ा नहीं बनना चाहिए। चलो जी खाइए, बनाइए, खुश रहिए मेरे स्टाइल की सूखी वाली सब्जी जो कि मिक्स वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल स्टाइल दी, बहुत ही खुशबूदार ओरिजिनल सब्जी का टेस्ट आएगा इसके अंदर। लहसुन तो उसको इन्हेंस कर ही देता है मेरी सब्जियों में। तो बनाइए, खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, शेयर करेंगे तो ही लोगों को दिखेगा। प्लीज़ हम भी रिक्वेस्ट है अपनी उंगली को चला लिया कर दो शेयर बटन, लाइक और कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।